सिख वालों या फिर किसी के वालों भी परमात्मा अगे की गई अरदास की की महानता है। सच्चे पातशाह ने पावन बाणी दे विच भी यह गल कही है कि दो कर जोड़ करो अरदास तुद भाणे ता आवै रास। परमात्मा दे अगे कीती हुई अरदास जिहड़ी कदे व्यर्थ नहीं हुंदी, व्यर्थी कदे ना होवेई। जन की अरदास नानक जोर गोविंद का पूर्ण गुणतास। जिहड़ा सिख अपने जीवन की शुरुआत भावे रोजाना जिहड़ी है वह अरदास दे नाल करदा है, उहदा सारा दिन जिहड़ा है, सारी उम्र जिहड़ी है, सारी जिंदगी बहुत ही सुचज्जी बतीत हुंदी है। सिख वालों या फिर किसी के वालों भी परमात्मा अगे की गई अरदास की की महानता है, की महत्ता है, वह जरूर दसो। देखो जी, अरदास की महानता यह है कि सच्चे पातशाह ने पावन बाणी दे विच भी यह गल कही है कि दुइ कर जोड़ करो अरदास तुद भाणे ता आवै रास। उस मालिक परमात्मा दे अगे की हुई अरदास जिहड़ी कदे व्यर्थ नहीं हुंदी, व्यर्थी कदे ना होवेई। जन की अरदास नानक जोर गोविंद का पूर्ण गुणतास। सो उस अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल जिहड़ा हैगा जुड़न दा, कह लईए उहदी बख्शिश हासिल करन दा इको एक साधन है, वह अरदास है मालिक दे चरणां दे विच। सो सानू जिहड़ा हमेशा अकाल पुरख वाहिगुरू दा शुक्र करना चाहीदा है, सानू इह मनुखा जीवन मिलिया है, ते दूजे नंबर ते सानू सारियां जीवन दे विच रहण दे लई सुख सहूलतां मिलियां हन। इस करके परमात्मा दा शुक्र करदे रहना चाहीदा। ते जिहड़ा सिख अपने जीवन दी शुरुआत भावे रोजाना जिहड़ी है वह अरदास दे नाल करदा है, उहदा सारा दिन जिहड़ा है, सारी उम्र जिहड़ी है, सारी जिंदगी बहुत ही सुचज्जी बतीत हुंदी है। सो मानसिक तौर ते आत्मक तौर ते असीं सदा ही जिहड़े आ उह सहज दे विच रहिंदे आ। मैं सारी संगत नूं इह बेनती करनी चाहुंदा तुहाडे जरिए कि जरूर जिहड़ा है अमृत वेले उठ के बाणी दे नाल जुड़िया करिए। मैं नहीं कहिंदा कि तुसीं जिहड़ा है दो दो तीन तीन चार चार घंटे बाणी पढ़ो, क्योंकि कई बार बिजी लाइफ हुंदी है, पर गुरमुख प्यारिओ एक बेनती जरूर है, पढ़िया जरूर करो, भावें एक शब्द ही पढ़िया करिए, नाल उहदे अर्थ पढ़िए, तां कि सानू पता लगे कि गुरु साहब ने सानू सेध सानू सिक्ख्या की दित्ती है, ते साडे जीवन दे विच इस तरीके दे नाल तब्दीली भी आवेगी ते गुरु साहब दीआं बख्शिशां भी आणगीआं।